और इस वक्त मतदान से पहले हमारे साथ कैसरगंज लोकसभा सीट से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह हैं। इस बार उनके बेटे प्रतीक भूषण भी गोंडा सदर सीट से दोबारा ताल ठोक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज पांचवें चरण के लिए मतदान होना है। 61 सीट पर आज मताधिकार का प्रयोग मतदाता करेंगे। गोंडा में हम हैं। गोंडा की 7 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी और इस बार क्या होने जा रहा है, हमारे साथ कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह हैं। उनकी तस्वीर दिखाएं। आज सबसे पहले उठकर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं और ये एक्सरसाइज कितनी कामयाब होने जा रही है, सीधे उनसे बात करते हैं। ब्रजभूषण जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा। धन्यवाद जी। पिछली बार तो 7 की 7 विधानसभा सीटें आप लोग ले गए थे, इस बार क्या उम्मीद लग रही है? 20 की बात करिए, गोंडा की बात मत करिए, मंडल की बात करिए। क्या करने जा रहे हैं, मंडल में क्या हो रहा है इस बार? 20 की 20 पहले 18 थी। परीक्षा की घड़ी है, कुछ डर लगता है कि परीक्षा एग्जाम हो रहा है? नो, जो परीक्षार्थी रोज वर्क करता है, तैयारी करता है, उसको परीक्षा से डर नहीं लगता, बल्कि परीक्षा देने में उसको मजा आता है कि चलो हम किस कहां पर हैं, कितना पानी है हमारे अंदर। तो परीक्षा डरने कोई बात नहीं, एग्जाम का दिन है। आप तो कह रहे हैं कि आज परीक्षा का दिन है लेकिन डर नहीं लग रहा है, रिजल्ट क्या निकल के आए? वह देखिए, देवी पाटिल में 20 सीट है, 18 सीट पिछली बार हमारे पास थी, अभी मैं माइनस सही खोज पा रहा हूँ। 20 की 20 बताइए कि मुकाबला किसी से मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? नहीं, लड़ाई है, समाजवादी पार्टी सेकंड स्थान पर है। ये मानते समाज आप भारी पड़े? कहीं नहीं, नुवा कितना बार 10 तारीख को सामने आ जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, आपने कहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष से आपने वादा, अमित शाह से भी आपने कुछ वादा किया हुआ? हमने कहा है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार बनेगी सबसे बड़ा सहयोग जो है अवध का होगा, और इसीलिए मैं अब तक 31 सीटों पर दौड़ा कर चुका हूँ। और दौड़ा का मतलब सभा नहीं होता है कि सबसे पहले मैंने असंतुष्ट जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता थे उनको ठीक किया, उनका मन बनाया। और तो देखिए, भाजपा सांसद को आप सुन रहे थे। भाजपा सांसद ने दावा किया है कि सभी सीटों पर वो क्लीन स्वीप करेंगे और इस वक्त केशव प्रसाद मौर्य अपनी मां का आशीर्वाद ले रहे हैं। उनकी तस्वीरें सामने आ रही है, देखिए किस तरीके से, क्योंकि आज उनकी किस्मत दांव पर है। ईवीएम में जनता उनकी किस्मत कैद कर देगी, लेकिन उससे पहले मां का आशीर्वाद लेते हुए परिवार के साथ मौजूद है। दावा ठोक चुके हैं कि इस बार जीत उनकी पक्की है, भी कोई टक्कर समाजवादी पार्टी से उनकी नहीं है। सुनते हैं, बाहर बात करते मैडम, बाहर 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 निकलने आइए। तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, घर से निकलने से पहले दही खाकर निकल रहे हैं, मां के हाथों से उनका आशीर्वाद भी लिया और सभी का अभिनंदन करते हुए केशव प्रसाद मौर्य आगे की तरफ बढ़ चुके हैं, ताल ठोक चुके हैं और इस बार किस्मत उनकी दांव पर है, साख दांव पर है, लेकिन दावा कर चुके हैं कि बहुत प्यार, बहुत ही आशीर्वाद जनता का उनके साथ है, जीत उनकी पक्की है। ये देखिए, मां का आशीर्वाद लेकर घर से केशव प्रसाद मौर्य निकले दही खाकर, क्योंकि आज किस्मत उनकी दांव पर है। और अब देखिए, पूजा करते हुए भगवान का आशीर्वाद लेते हुए मां का आशीर्वाद लिया, इसके बाद भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं इस वक्त। ये देखिए तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कांटे की टक्कर सिराथू विधानसभा सीट पर, आश्वस्त हैं कि उनकी जीत पक्की है, लेकिन आज किस्मत ईवीएम में कैद होगी। उससे पहले की क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि महज कुछ समय में, 2 मिनट का समय बचा हुआ है, वोटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने मां का आशीर्वाद लिया और अब भगवान का आशीर्वाद लेते हुए, पूजा करते हुए, भगवान का आशीर्वाद लेते हुए, कामना ये करते हुए कि सिराथू विधानसभा सीट से उनकी जीत हो, एक बार फिर से कमल यहाँ पर इस सीट पर वो खिला पाए, इसी की कामना इस वक्त कर रहे होंगे। ये देखिए, परिवार के साथ मौजूद है, घर में ही पूजा अर्चना कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। इससे पहले मां का आशीर्वाद भी लिया, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। हालांकि मीडिया से अब से थोड़ी देर बाद वो संभवतः बातचीत भी करेंगे, अभी उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन यहां पर देखिए
भगवान से आशीर्वाद लेते हुए पूजा अर्चना करते हुए अपने घर के मंदिर में ही वो पूजा अर्चना कर रहे हैं इस वक्त। और सिराथू विधानसभा सीट से केशव प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में हैं। आज इस सीट पर वोटिंग होने वाली है। अब से थोड़ी देर बाद यानी कि सिर्फ एक मिनट के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य भगवान का आशीर्वाद लेते हुए, मां का आशीर्वाद उन्होंने लिया और थोड़ी देर में हो सकता है कि वो मीडिया से भी बात करें। देखना होगा कि आज क्या कुछ कहते हैं। और ये देखिए उनके घर की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर वो पूजा अर्चना करते हुए, माल्यार्पण करते हुए, क्योंकि आज बहुत जरूरी है कि आशीर्वाद माँ का उनके साथ, भगवान का उनके साथ हो, क्योंकि सिराथू विधानसभा सीट जहां पर पल्लवी पटेल कांटे की टक्कर उन्हें दे रही हैं। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य लगातार ये कह रहे हैं कि कोई टक्कर नहीं है, सिराथू के बेटे हैं और उनकी जीत वहां से पक्की है। ये देखिए तमाम तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में पांचवें चरण के लिए वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। 11 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। रायबरेली की सलोन सीट पर मतदान हो रहा है। 693 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होने वाली है। मतदान की शुरुआत हो चुकी है और आपको बता दें कि 61 विधानसभा सीटें जिस पर वोटिंग शुरू हो चुकी है, सबसे पहले अयोध्या का रुख करेंगे। तमाम हमारे सहयोगी ग्राउंड से बने हुए हैं, अयोध्या का रुख करेंगे। बलराम हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। बलराम, वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है, तस्वीरें दिखाइए और समझाइए। बिल्कुल, देखिए 11 जिलों की 61 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है और इस वक्त हम अयोध्या विधानसभा में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि पोलिंग बूथों के बाहर जो मतदाता हैं वो वोटिंग के लिए पहुंचे हुए हैं और यहां पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हो गया है। हम इन मतदाताओं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार अयोध्या में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो चुनावी मुद्दे बनकर के बाहर निकले हैं। दद्दू, आप मतदान करने आए हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रख करके आज वोट डालेंगे? साफ सफाई, दुनिया भर के रोड गड़बड़ चल रही है सब कुछ, इसीलिए और ज़्यादा दिक्कत। मंदिर विवाद तो खत्म ही हो गया और बेरोजगारी बढ़ी हुई है, सड़क बड़ी वैसी है, उबड़ खाबड़, इसको ठीक कराना जरूरी। कोई भी सरकार चलावे कायदे से, और क्या। आप बताएं भाई साहब, आप क्या कहेंगे, किन मुद्दों को ध्यान में रख करके आज मतदान करने आए हैं, क्योंकि मतदान शुरू हो गया है? जी, मतदान इसलिए शुरू करने आए हैं कि जो यहाँ का स्वयं मतलब लेडीज सुरक्षा मेन और महिला सुरक्षा की अगर बात कर रहे हैं तो महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मतदान करने आई हुई हैं। माता जी, ये बताइए किन मुद्दों को ध्यान में रख करके आज आप मतदान करेंगी, क्योंकि अयोध्या विधानसभा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय है और यहाँ से एक राजनीतिक समीकरण निकल रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि अयोध्या पथ से ही लखनऊ के पथ का मार्ग प्रशस्त होने वाला है। ठीक है बलराम, ठीक है महिलाएं, ठीक है बलराम, वहां पर मतदान के लिए कतारें लग गई हैं, वहां पे मतदान के लिए लोगों की कतार लग गई है। हम आपके पास वापस आएंगे, तस्वीरें फिर से दिखाएंगे अयोध्या की। लेकिन आराधना मिश्रा जो कि सीएलपी लीडर रही 5 साल, रामपुर खास से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, उन्होंने हमारे सहयोगी से बात की। कांग्रेस देखिए, प्रियंका जी का की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में पहले भी थी और इस दौरान जो उन्होंने काम किया है, लोगों के लिए संघर्ष किए हैं, उससे बढ़ी है। तो आप रामपुर खास, वो उनकी दादी 42 वर्ष पहले मेरे पिता के लिए उसी इंदिरा चौक पे मीटिंग करने आई थी और 42 वर्षों बाद प्रियंका जी मेरे लिए उसी इंदिरा चौक पे मीटिंग की, तो ये ऐतिहासिक मौका था रामपुर खास के लिए। प्रमोद तिवारी की सीट से बेटन लेकर अब आप लड़ रही हैं, पिछली बार भी था, इस बार भी, पिता के लेगेसी को लेकर क्या कभी प्रेशर होता है? बहुत होता है और मुझे लगता है कि इनफैक्ट एक न्यू कमर के लिए और से ज़्यादा प्रेशर जो है लेगेसी पॉलिटिक्स में होता है। उसके प्लस पॉइंट है, माइनस भी हैं, बट मुझे मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने अपने पिता से संस्कार भी सीखे हैं, परंपराएं भी सीखी हैं और काम करना भी सीखा है। और मुझे विरासत में उनका जो रामपुर खास की जनता ने उन्हें प्यार दिया है, वो मुझे विरासत में मिला है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ रामपुर खास की जनता। चिट्ठियाँ लिखी हैं इस बार?
जो लोगों को भेजी हैं, जो पत्र लिखकर भेजते हैं प्रमोद जी, अपना हमेशा जो उनका एक ट्रेडिशन, वो जब हमारा कैंपेन स्टार्ट होता है शुरू में, तो लगभग एक महीने पहले हम हर जितने भी हमारे बूथ वर्कर्स हैं, गांव के सम्मानित लोग हैं, प्रधान, बीडीसी, सभी लोग को हम पत्र भेज करके उनको उनका आह्वान करते हैं कि वो इस प्रचार में हमारा साथ दें और प्रचार की जो प्रक्रिया है उसमें लोगों के बीच में जाएं। तो वो हमेशा लिखते हैं, इस बार भी लिखी गई। जीत का कितना भरोसा इस बार, और श्रेय किसको दें? रामपुर खास की जनता को, और उनके प्यार और विश्वास पर पूरा भरोसा। आराधना मिश्रा मोना के नाम से जानी जाती हैं, लेकिन इस बार चुनौती गंभीर। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज लोहीवाल, रामपुर खास, प्रतापगढ़, एबीपी न्यूज़। तो रामपुर खास में आराधना मिश्रा मोना कितनी उत्साहित है आपने देखा। अब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने देखिए आराधना की है और तस्वीरें उनकी मिल रही है। वोटिंग से ठीक पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य क्या करते दिखाई दिए, वो आपको दिखा रहे हैं। आज जिस विधानसभा क्षेत्र से, सिराथू से, 251 सिराथू विधानसभा से मुझे प्रत्याशी बनाया गया है, आज यहाँ भी मतदान हो रहा है पांचवें चरण की जो 61 सीटें हैं उसमें से। और आज मैं अभी अपने पूज्य माता जी का, बड़े भाई साहब का, भाभी जी का, सबका आशीर्वाद ले लिया और भगवान की पूजा अर्चना करने के पश्चात अब क्षेत्र में भ्रमण के लिए जाऊँगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है सिराथू विधानसभा क्षेत्र में सिराथू की जनता सिराथू के बेटे को कमल का फूल खिला करके भारी अंतर से यहाँ से विजयी बनाएगी। और उत्तर प्रदेश में चूंकि भाजपा की सरकार हर दृष्टि से उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के हित की दृष्टि से, गरीबों के हित की दृष्टि से, किसानों के हित की दृष्टि से, मजदूरों के हित की दृष्टि से यह आवश्यक है, इसलिए लोगों ने मन बनाया है कि कमल खिलाएं। और मैं अपील भी करता हूं आप सबके माध्यम से, लोगों से घर से निकलें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मेरी सीट में मैं तो सीधे अपने लिए सबका आशीर्वाद कमल के फूल पर मांगता ही हूं, लेकिन बाकी उत्तर प्रदेश की जो 60 और सीटें हैं उसमें भी लोग घरों से निकलें और भारी मतदान। केशव प्रसाद मौर्य न सिर्फ जनता से अपील कर रहे हैं अपने लिए, बल्कि वो तमाम जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, 61 प्रत्याशी जो आज चुनाव मैदान में हैं 61 सीटों पर सहयोगी दलों के और बीजेपी के, उन सब के लिए वो जनता से अपील कर रहे थे, वो आपने देखा। अब तो तमाम जो बड़े चेहरे हैं, जो दिग्गज हैं, वो सर्वोच्च सत्ता की शरण में हैं, आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वोटिंग से ठीक पहले उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, चूंकि उनकी किस्मत आज ईवीएम्स में कैद होने वाली है। 61 सीटों पर मतदान चल रहा है और बहुत सारे दिग्गज आज चुनाव मैदान में हैं, आज उनकी किस्मत का फैसला हो जाएगा। शाम को जब वोटिंग समाप्त होगी तो ये तय हो जाएगा जनता के द्वारा कि उनकी किस्मत आने वाले 5 साल के लिए क्या होने वाली है। सुल्तानपुर चलते हैं विवेक त्रिपाठी के पास और देखते हैं कि सुल्तानपुर में वोटिंग कैसे प्रारंभ हुई है, क्या तस्वीरें हैं वहां की, कितना उत्साह है और क्या मुद्दे लेकर वोटर्स वोट करने पहुंच रहे हैं। विवेक जी बिल्कुल राजेंद्र, देखिए सुल्तानपुर सीट है, विधानसभा सीट और तहसील भवन है जहां हम खड़े हैं और आप देख रहे हैं कितनी लाइन लगी है यहां पे, चूंकि अभी सुबह का वक्त है और 7 बजा है तो मतदाता यहां पर धीरे धीरे आना शुरू हुआ है। ये एक अंदर पोलिंग स्टेशन आप सामने देख रहे हैं, इस पोलिंग स्टेशन में अंदर एक बूथ है जहाँ पर जितने वोटर हैं वो सब लाइन लगा के खड़े हुए हैं और एक बूथ ये हमारे सामने यहाँ पर दूसरा बूथ है। इस पोलिंग स्टेशन पर 3 बूथ हैं और ये दूसरा बूथ है जहाँ पर इक्का दुक्का मतदाता आपको नजर आ रहे हैं, यानी अंदर हैं लोग और वोटिंग शुरू हो गई है, चल रही है। और तीसरा जो बूथ है वो आपको दिखाएंगे, महिला स्पेशल बूथ है, यहाँ पर एक महिला स्पेशल बूथ बनाया गया जिसको पिंक बूथ भी कहा गया है। और पिंक बूथ में यानी हर कर्मचारी यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट भी है, सेक्टर मजिस्ट्रेट है या जो निर्वाचन से जुड़े अधिकारी कर्मचारी हैं, वो सब महिलाएं हैं, यानी इस बूथ पर महिलाओं के लिए स्पेशल व्यवस्था है, कोई भी महिला यहाँ पर आकर वोट डाल सकती है। और करीब 44 बूथ इस पोलिंग बूथ पर हैं, 44 वोट इस पोलिंग बूथ पर हैं और अभी तक, हालांकि अभी तक यहाँ पर कोई नहीं आया है, लेकिन कुछ लोग वोट डालकर यहाँ आ रहे हैं। आपने सर वोट डाला, पहला वोट? जी हाँ, पहला वोट। नाम है? अजय कुमार गुप्ता। अजय कुमार जी, किस मुद्दे पर आपने वोट दिया है, क्या सुल्तानपुर के क्या क्या स्थानीय मुद्दे हैं, समस्याएं?
विकास का मुद्दा है। ठीक 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 विवेक, विकास मुद्दा है। अभी कम तादाद में वोटर पहुंच रहे हैं, हो सकता है कि आगे जाकर उनका उत्साह दिखाई दे, लेकिन अभी तादाद कम है। कौशाम्बी चलते हैं, अवधेश मिश्रा वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं कौशाम्बी की तस्वीरें दिखाने के लिए, वोटर्स का उत्साह बताने के लिए, उनके मुद्दे बताने के लिए। अवधेश, क्या तस्वीर है वहां की? बिल्कुल राजेंद्र, देखिए कौशाम्बी की जो सिराथू सीट है वो हॉट सीट है और यहाँ के हम जो शीतला धाम केंद्र बना है वहाँ पर आए हैं। हालांकि अभी अगर वोटर्स की बात करें तो इक्के दुक्के वोटर्स ही हैं, बहुत ज़्यादा अभी संख्या नहीं। देखिए एक ये मतदाता है जो वोट देकर बाहर आ रहे हैं। धीरे धीरे मतदान शुरू होगा यहाँ पर, लेकिन फिलहाल 7 बजे वक्त पर मतदान शुरू हो गया था। एक मतदाता है, बुजुर्ग वोटर है, उनसे हम बात कर लेते। दादा, वोट डाल दिया आपने? क्या इस बार मुद्दा रहा वोट डालने का? अरे हमारा तो ये गाय चली जा रही, हमारा यही मुद्दा है। हाँ, और बड़ी यहाँ टक्कर है, केशव जी डिप्टी सीएम है, तो क्या उनका भी फैक्टर है? आप नहीं, टक्कर तो है और जो है तो आपकी जो है इनको सब पता चलेगा कि कितना टक्कर है क्या है। हाँ, हम लोग गाय से दुखी है। गाय के अलावा कौन से मुद्दे रहे यहाँ? और कोई मुद्दा नहीं, और सब लोग कमाई खा रहे हैं। एक मतदाता, आप मतदान कर दिया, क्या इस बार यहाँ पर मुद्दा है वोटिंग को लेकर? विकास का मुद्दा जो हमेशा रहता है, युवाओं को रोजगार। धार्मिक स्थल है, तो क्या धार्मिक स्थल के विकास का भी कोई मुद्दा है यहाँ पे? नहीं, सब सही है। अच्छा, लेकिन पूरे प्रदेश की निगाहें हैं क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की विधानसभा सीट है, तो वो भी फैक्टर है क्या? एक तरफ पल्लवी पटेल है, एक तरफ मौर्य जी हैं, बीएसपी भी है, त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है, तो ये तमाम चीजें भी आपके मन में होंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। माननीय जी का तो ये गृह निवासी है, उनका कोई बाहरी तो है नहीं। राजेंद्र, आप धीरे धीरे लोग आ रहे हैं मतदान करने के लिए, हालांकि तो देखा आपने कि सिराथू विधानसभा में कैसे धीरे धीरे मतदान शुरू हुआ है। और आपको बताएं कि रायबरेली, जहां पर पिछले चरण में ज्यादातर मतदान हो चुका है, वहां की सलोन सीट पर आज वोट डाले जा रहे हैं। वहां से पंकज सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज हमें दिखाएंगे और बताएंगे कि इस सीट पर क्या तस्वीर है मतदान की सुबह सुबह। पंकज, रायबरेली के सलोन में आज मतदान हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये सूची है जो सलोन विधानसभा में आती है और यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों दोनों की लाइनें लग गई हैं। मैं दिखाना चाहूंगा कि हमारे पीछे आप देखिए, यहाँ पर लाइनें काफी लग चुकी हैं, लोग मतदान कर रहे हैं, मतदान शुरू हो चुका है। पैरामिलिट्री और सिविल पुलिस की फोर्स यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर तैनात है लोग, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी ठीक ठाक है। तो लोगों का यहाँ उत्साह देखा जा रहा है, लगातार महिलाएं भी चली आ रही हैं, पुरुष भी चले आ रहे हैं और लाइन अभी चूंकि सुबह सुबह का ही समय है, 7 बजे के आसपास का समय हो रहा है ये तो, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर लाइनें लग चुकी हैं और मतदान करके लोग जाना भी शुरू कर दिए हैं। लेकिन जिस तरह से लाइनें लगी हैं, देख सकते हैं हमारे पीछे, उस तरह निश्चित तौर पर ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर सलोन विधानसभा क्षेत्र में लोगों में उत्साह है वोटिंग करने के लिए, मतदान करने के लिए लोग आ रहे हैं और यहाँ पर बिल्कुल 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 मतदान के लिए लोग पहुंच रहे हैं। अच्छी तस्वीर है और जगहों से ज्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है पंकज, वहां पर जहाँ पर आप मौजूद हैं। अब आप सभी के पास वापस आएंगे, लेकिन प्रमोद तिवारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद रह चुके हैं, उनसे हमारे सहयोगी ने बात की है, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया रामपुर खास से चुनाव जीतने का, भी उनकी पुत्री चुनाव मैदान में, उनसे बात की हमारे सहयोगी ने, आपको दिखा दी। का कारण है प्रमोद तिवारी के बाद अब उनकी बेटी आराधना मिश्रा ने कमान संभाल ली है और जीत का दावा भी कर रहे हैं। प्रमोद तिवारी जी हमारे रामपुर खास की लड़ाई बहुत खास है इस बार। प्रमोद तिवारी की बेटी यानी कि पूर्व विधायक की बेटी इस बार फिर से मैदान में है कांग्रेस की उम्मीदवार बनके। प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ हैं, कितना भरोसा है इस बार? लगातार हैट्रिक लगाने जा रही मोना जी तीसरी बार जीत की, और जो उम्मीदवार है भाजपा का वो भी हैट्रिक लगा रहा है लेकिन हार की। इस बार जनता का जो मिजाज मुझे समझ में आ रहा है, उसने मन बना लिया था चुनाव के पहले ही कि उसे मोना जी को कम से कम 50,000 के पार 55,000 से जिताना है। इस बार जिस तरह सभाओं में भीड़ होंगी, कार्यकर्ताओं में उत्साह था, जनता में उत्साह था, ये चुनाव मोना जी नहीं लड़ी, ये चुनाव रामपुर खास की जनता ने लड़ा है। 9 बार विधायक आप रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इस पर आपने, बेटी को कैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं और इस बार चुनाव में कुछ अलग है क्या? देखिए,
अगर 9 बार मेरा रिकॉर्ड बना और 12वीं बार मोना का बनने जा रहा है, तो इसके लिए अगर किसी को धन्यवाद दिया जा सकता है तो रामपुर खास के मतदाताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने विश्वास बनाए रखा और हमने उसके विश्वास को नहीं तोड़ा, तो रामपुर खास के साथ हमारा विश्वास और विकास का नाता है। जब पहले की लड़ाइयों की बात कर रहे हैं और इस बार की लड़ाई, क्या पहले और इस चुनाव में अंतर क्या है और क्या इस बार की लड़ाई ज्यादा मुश्किल है? मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार की लड़ाई पहले के कई चुनाव से ज्यादा आसान है, या तो 85 में या 96 में हमें इतना समर्थन मिला था जनता का जो अब मिला। बीजेपी कह रही है सरकार में आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी को पूरा भरोसा है सत्ता में आने का, कांग्रेस कहाँ? मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, भाजपा 100 को आंकड़ा नहीं पार कर रही, सैकड़ा नहीं, मैं एक एक विधानसभा कैलकुलेट कर कह रहा हूँ, कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सरकार गठित करेगी। जब कांग्रेस के दावा कर रहे हैं कि बहुत आसान चुनाव है, ऐतिहासिक रूप से आसान चुनाव है, ऐसा समर्थन बहुत कम मिला है कांग्रेस पार्टी को जो इस बार मिलने जा रहा है, ये उनका दावा है। अब हम अमेठी चलेंगे, शैलेश अरोड़ा इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहां भी आज मतदान चल रहा है और शैलेश अब हमें वहां की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं और वहां का वोटिंग का हाल बताने जा रहे हैं। शैलेश बिल्कुल राजेंद्र, देखिए अमेठी के जिस पोलिंग बूथ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं डॉक्टर संजय सिंह, मौजूदा विधायक हैं गरिमा सिंह, उनके पति हैं। इस बार अगर बात करें, भाजपा ने गरिमा सिंह का टिकट काटकर उनके पति डॉक्टर संजय सिंह को टिकट दिया। आप देख सकते हैं पोलिंग बूथ पर लोगों का आना शुरू हो चुका है, वोटिंग शुरू हो चुकी है जहाँ पर हम मौजूद हैं। और देखिए सीट की अगर हम बात करें तो बड़ी दिलचस्प मुकाबला है, महाराजा वर्सेज महाराजी। देखिए महाराजा इसलिए कि डॉक्टर संजय सिंह जो है वो राजा खानदान से आते हैं, वहीं दूसरी और उनका जो मुकाबला है यहाँ पर वो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है महाराजी प्रजापति, जो पूर्व मंत्री सपा सरकार मंत्री रहे गायत्री प्रजापति की पत्नी है, उन्होंने यहाँ पर मोर्चा खोला हुआ है। तो यहाँ का जो मुकाबला है महाराजा वर्सेज महाराजी यहाँ पर देखा जा रहा है। और एक और दिलचस्प चीज इस सीट की आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जब डॉक्टर संजय सिंह अपना वोट डालने आएंगे तो उनके साथ में आएंगे उनके जो धोबी हैं पंचम लाल कन्नौजिया, वो ये एक प्रथा यहाँ पर है कि जो संजय सिंह का परिवार है वो तब वोट डालता है जब उनसे पहले उनके परिवार का जो धोबी है वो यहाँ पर वोट डाले, तो वो भी अभी यहाँ पर अभी कुछ देर में आ जाएंगे। अगर बात करें कांग्रेस को लेकर तो देखिए अमेठी जो है वो कांग्रेस का गढ़ रहा, कभी आज की तारीख में हालात बदल चुके हैं, तो ऐसे में अगर हम बात करें कांग्रेस से टक्कर देने की, तो कांग्रेस की तरफ से इस सीट पर आशीष शुक्ला को प्रत्याशी बनाया गया है, आशीष शुक्ला दर्जा प्राप्त मंत्री भी रहे हैं बसपा सरकार में, तो ये जो मुकाबला है त्रिकोणीय यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बसपा की बात करें तो रागिनी तिवारी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया, तो चार लोग ये हैं, लेकिन जो मुख्य मुकाबला है सपा और भाजपा के बीच में देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस भी उम्मीद कर रही है कि इस बार यहाँ पर तस्वीर बदल सकती है, कुछ वोटर्स हैं उनसे बात करते हैं। शैलेश आपके पास वापस आएंगे वोटर्स को वोट करने के बाद उनकी क्या स्थिति है वो जरूर दिखाएंगे, लेकिन डॉक्टर संजय सिंह जो कि वहां से कैंडिडेट हैं बीजेपी के, उनकी पत्नी अमृता सिंह से बात की है हमारे संवाददाता ने, वो आपको दिखाते हैं। उनका एक कनेक्ट होना चाहिए लोगों के साथ, लेकिन वो ऐसा दिखता नहीं। तो डॉक्टर संजय सिंह जो कि भाजपा के उम्मीदवार हैं, सर आप जो है कांग्रेस से सांसद भी रहे, अमेठी कांग्रेस का गढ़ भी रहा, लेकिन इस बार भाजपा के उम्मीदवार विधानसभा में? अमेठी कभी कांग्रेस का गढ़ नहीं था, अमेठी अमेठी वालों का और हम लोगों का गढ़ था, उसी गढ़ होने की वजह से गांधी परिवार अट्रैक्ट हुआ यहाँ आया, लेकिन धीरे धीरे उनका कनेक्ट, उनका संपर्क, उनका संबंध कम होता गया और वो यहाँ से बाहर हो गए, जिसका कि आपने लोकसभा का परिणाम देखा। आज वही हाल प्रदेश और देश में है, उनकी कनेक्टिविटी जनता से, उनके डायलॉग, उनका कम्युनिकेशन कम होता गया और आज कांग्रेस कहाँ है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आप जो है गांधी परिवार के करीबी भी रहे हैं, राहुल गांधी प्रियंका गांधी लगातार चुनाव प्रचार में है, वो ये कह रहे हैं कि आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है, लगातार जनता से जुड़े हुए हैं और ये क्षेत्र रहा है खुद जो है राजीव जी का, गांधी परिवार का, ये क्षेत्र राहुल जी का था, संजय जी का था, राजीव जी का था, सोनिया जी का था, तो फिर वजह क्या हुई कि जनता से दूर हो गए और जनता ने उनको डिस्कार्ड कर दिया? कोई ना कोई कमी मेजर रही होगी तभी जनता से दूर हुई राजनीति जनता से। और चलिए एक बड़ी खबर मिल रही है, सीधे उसी का रुख करेंगे। अयोध्या से बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, मनोहर लाल कॉलेज के बूथ नंबर 43 पर वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है, ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान की शुरुआत नहीं की जा सकी है। देखिए बड़ी खबर, अभी वोटिंग शुरू हुए महज 18 मिनट का वक्त हुआ है लेकिन यहाँ पर वोटिंग की शुरुआत नहीं हो पाई है। बलराम लगातार अयोध्या से जुड़े हुए हैं,
बलराम यहाँ पर क्यों वोटिंग शुरू नहीं हो पाई, क्या अपडेट है? देखिए अगर बात करें तो अयोध्या विधानसभा के मनोहर लाल कॉलेज के अंदर बूथ नंबर 43 में अभी भी वोटिंग नहीं शुरू हुई है, क्योंकि ईवीएम खराब होने की जानकारी मिली है और लगातार जो मतदाता हैं वो लाइन में लगे हुए हैं मतदान करने के लिए। आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें हैं उसी बूथ के बाहर की जहाँ पर मतदाता मौजूद हैं, लेकिन ईवीएम खराब होने की वजह से यहाँ पर मतदान नहीं हो पा रहा है। जो पर्यवेक्षक हैं, जो तकनीकी लोग हैं वो अंदर मौजूद हैं और ईवीएम को चेक किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि थोड़ी ही देर में ईवीएम सही होगी, उसके बाद यहाँ पर मतदान शुरू होगा। लेकिन कहीं ना कहीं लगभग 18 मिनट का वक्त बीत चुका है और अभी भी यहाँ पर मतदान शुरू नहीं हुआ। हम सीधे लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अभी मतदान शुरू नहीं हुआ क्या कहेंगे आप लोग? अभी टाइम जा रहा है, हम लोग सुबह से खड़े हैं, उससे तो टाइम से निकल जाएंगे, लेट होता जा रहा है, बहुत दिक्कत तो हो रही है। क्या बताया जा रहा है आप लोगों को कि क्यों नहीं मतदान शुरू हुआ? अभी हम लोगों ने पूछा नहीं है, जो प्रॉब्लम होगी कोई होगी प्रॉब्लम, वेट कर। ठीक है, आप भी लाइन में लगी हुई हैं, मतदान अभी शुरू नहीं हुआ क्या कहेंगे? बलराम, स्वाभाविक रूप से थोड़ी निराशा तो होगी क्योंकि आप ईवीएम मशीन के खराब होने की बात आप रिपोर्ट कर रहे हैं और स्वाभाविक रूप से जो लोग वहां पर खड़े हैं मतदान करने के लिए उनको निराश होना पड़ रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वहां पर ईवीएम ठीक होगी और जो लोग कतार लगाकर, और कतार दिखाई दे रही है वहां पर मतदाताओं की, लगाकर खड़े हैं वहां पर, उनको मतदान करने का अवसर मिलेगा। ये अयोध्या की तस्वीर थी। अब हम रायबरेली के सलोन चलते हैं, पंकज सिंह वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, आपने जो पिछली तस्वीर दिखाई थी उसमें उत्साहित मतदाता दिखाई दे रहे थे, उनमें से जो मतदान करके आ रहे हैं उनसे आप जरूर पूछें कि किन मुद्दों पर मतदान कर रहे हैं वो। बिल्कुल, जो आ रहे हैं उनसे बातचीत अभी हम करेंगे, और लेकिन जिस तरह से लाइनें लगी हुई हैं, अभी कुछ महिलाएं मतदान करके वापस आ रही हैं, आइए इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं, क्योंकि जो लाइनें हैं हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि लाइन बढ़ती जा रही है क्योंकि लगातार लोग आ रहे हैं। और ये हमारे साथ माता जी हैं जो अभी वोट करके आई हैं। अभी मतदान किया आपने? दिखाइए, ये मतदान करके आई है अभी, मतदान किया आपने, क्या मुद्दा था, क्या सोचकर आपने वोटिंग किया, क्या आपके मन में था ये? अब ऊपर वाले को सोच कर किया बेटा, ऊपर वाले को सोच कर किया। अरे आप ठीक है, ठीक है, ये भी तर्क दिया जा सकता है। आपने जो बात की हमारे दर्शकों ने देखी, डॉक्टर संजय सिंह जो कि भाजपा के उम्मीदवार हैं अमेठी से, वो अपनी पत्नी के साथ पूजा करने पहुंचे, आज उनके लिए मतदान हो रहा है, तस्वीरें हमें मिली हैं वो हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरें अमेठी से, डॉक्टर संजय सिंह, ये देखिए आप अपनी पत्नी के साथ पूजा पाठ मतदान के लिए पहुंचे हैं, पूजा आराधना भी की उन्होंने, उनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी, आज मतदाता उनके भाग्य का फैसला कर देंगे। और देखिए मतदान के लिए जब पहुंचे तो तस्वीरें वहां पर क्या है, कभी कांग्रेस के लीडर रहे, अब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं और वो कह रहे हैं कि कभी कांग्रेस का गढ़ नहीं रहा, यह हमेशा उनका गढ़ रहा है। तो भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर संजय सिंह जो कि राज परिवार से हैं और वहां पर मुख्य मुकाबला, जैसे कि अभी शैलेश बता रहे थे, महाराजा बना महाराजी जो कि जो उनके विपरीत जो उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी की, वो गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी महाराजी हैं। और अब हम सिराथू लिए चलते हैं, आपको सिराथू, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी, वो बातचीत आपको दिखाते हैं सिराथू में, उप मुख्यमंत्री से बातचीत हमारे सहयोगी की। सिराथू से उम्मीदवार है केशव प्रसाद मौर्य, आज उनके लिए भी मतदान हो रहा है, उनसे बात की हमारे सहयोगी ने, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुद्दा है लोगों की सुरक्षा, मुद्दा है गरीबों की जरूरत के हिसाब से योजना बनाकर के उनके पास पहुंचा देना, जो सरकार की जिम्मेदारी होती है। और जो विपक्ष सपा बसपा कांग्रेस जब सरकार में होते हैं तो गरीब के नाम पर योजना बनाना, किसान के नाम पर योजना बनाना, मजदूर के नाम पर योजना बनाना, महिलाओं के नाम पर योजना बनाना और स्वयं उसको योजना बना करके लूट करके खा जाना, गरीबों को कोई उसका लाभ नहीं देना, इसलिए गरीब का विश्वास भाजपा के साथ है और इसलिए भाजपा को इतना जबरदस्त समर्थन मिला है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप गरीबों की बात कर रहे हैं लेकिन आप महंगाई, बेरोजगारी, आवारा जानवरों की, इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाते, इन पर बात करने के? उनको ये मालूम होगा, नहीं मालूम है तो मैं उनको बता रहा हूँ, हम हर न्याय पंचायत में 1 से 2 गौशालाएं बना चुके हैं। इनके समय में गौ माता के गर्दन पे खंजर चलते थे, हम ना गाय को कटने दे रहे हैं ना गाय को
भूख से मरने दे रहे हैं और ना गाय को किसान का खेत चरने दे रहे हैं। उसकी जो छूट बचे हुए हैं उसके लिए भी बड़ी तेजी से नवीन गौशालाओं का निर्माण हो रहा है। अंतिम सवाल है कि पल्लवी पटेल आपके सामने सिराथू विधानसभा में खड़ी है, कितना कड़ा मुकाबला देख रहे हैं? कोई मुकाबले में नहीं है, समाजवादी पार्टी की साइकिल पहले दिन से ही पंचर थी, पंचर है, पंचर ही रहेगी। सीएम से बात करने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार बहुमत से आ रही, कोई मुकाबला नहीं है और तैयारी पूरी है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी। केशव प्रसाद मौर्य से जब पूछा गया कि आप महंगाई बेरोजगारी के मुद्दों पर बात नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन न्याय पंचायतें जो हैं वहां पर 1 से 2 गौशालाएं हमारी सरकार बना रही है और ये व्यवस्था की जा रही है। पल्लवी पटेल से उनका कोई मुकाबला नहीं। आचार्य सत्येंद्र दास से बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी, दिखाते हैं। नहीं कहती कि हम भगवान राम को राजनीति में लेते हैं, वो कहते हैं भगवान राम हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं, पार्टी के केंद्र नहीं है कि हम इनके माध्यम से और चुनाव लड़ें। तो रामलला जो हैं वो सबके हैं और ये इनके राजनीति से परे हैं, क्यों धर्मनीति और राजनीति दोनों की जो विचारधाराएं हैं वो भिन्न भिन्न होती है। तो धर्मनीति के साथ लेकर के चलना, बल्कि धर्म नीति जो है वो राजनीति का पोषक है। महाराज जी, एक बार अगर लोगों से आप अपील कर दें कि आज वोट देने ज़रूर जाएं, आपकी अपील हो सकता है बहुत सारे लोग माने। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों से यह निवेदन करूंगा कि सभी लोग अपने अपने घर से निकल करके और वोट दें और वोट अपने मुद्दों के अनुसार दें, वह व्यक्ति के दें, उस पार्टी को दें जो सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय और देश का विकास करे, जिसमें जात पात की भावना छोड़ करके सभी को समरसता के साथ। आचार्य सत्येंद्र दास मुख्य पुजारी हैं राम जन्मभूमि के, उनकी बात आपने सुनी। धर्म नीति और राजनीति को वो अलग बता रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु श्री राम सबके हैं।